इस वक्त आपका सुकून बहुत बहुत ज़रूरी है। आप अपनी अंदर की इच्छाएं मान लें, उसको सुने, अपनी अंदर की आवाज़ वो क्या कह रही है। आपका दिल नहीं मान रहा, किस चीज़ पे नहीं मान रहा, कोई बात हो गई है क्या, कोई शक है आपको, कोई ना कोई फ़ैसला आपको करना है, बहुत ज़रूरी, बहुत जल्दी आपको करना है अपने लिए। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, अच्छा सोचा और हमेशा अच्छा ही होता है। आपकी ज़हनी सुकून जो है इस वक्त जो हो रहा है दुनिया में 2020 का, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सुकून में हों। आपके सवाल के जवाब मिलेंगे। आप सब अल्लाह पे छोड़ दो, आप सब खुदा पे छोड़ दो, आपके सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। आप जो चीज़ पाना चाहती हैं वो भी आपको पाना चाहता है। बहनों और भाइयों, वेलकम टू माई चैनल। आप लोग को पता है कि आप जो चाहेंगे वही होगा, आप जो चीज़ चाहेंगे वही होगा, आप लोग जो चाहेंगे वही होगा। आपका ज़हनी सुकून बहुत बहुत ज़रूरी है इस वक्त। कोई रिश्ता है, आपका दिल नहीं मान रहा, क्यों नहीं मान रहा? आपकी जो अंदर की जो इच्छा है उसको मानो, वजह क्या है? अगर दाल में कुछ काला लगता है, इन्वेस्टिगेट, आपके दिल क्यों मान नहीं रहा रिश्ते से। ठीक है, हो सकता है किसी लड़की का रिश्ता आया, लड़के का, या किसी औरत का रिश्ता आया, हो सकता है आपकी शादी पहले से हो चुकी हो और आपका दूसरा रिश्ता है, आपकी दूसरी शादी है। बाज़ औक़ात ये लोग होता है कि आपकी तीसरी शादी होती है। देखो, शादी जो होती है, लाइफ पार्टनर जो होता है, मजाक नहीं है। ठीक है, यू हैव टू स्टे विद दिस पर्सन, यू हैव टू बी विद दिस पर्सन, यू हैव टू स्लीप विद दिस पर्सन, यू हैव टू ब्रीथ विद दिस पर्सन, यू हैव टू ईट विद दिस पर्सन, स्लीप विद दिस पर्सन, इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी मर्ज़ी शामिल हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। और जो माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो ये जान लें कि ज़बरदस्ती बिल्कुल मना है। आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा अगर आप अपने पोते पोती, नवासे नवासी, बहनों भाइयों से और दोस्तों से और अपनी बेटियों और बेटों के साथ अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे शादी के लिए, राज़ी वो खुद ही दिल से होंगे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं, आप में हक़ में बेहतर होगा। आपको पॉजिटिव सोचना है, हर रिश्ते को आपको देखना है। ठीक है, उदास मत हो, प्लीज़ पे अटेंशन, डोंट लूज होप। पॉजिटिव रहना बहुत बहुत ज़रूरी है इस वक्त। आपकी जो अंदरूनी की जो ताकत है, आपकी अंदर की जो आवाज़ है, आप उसको सुने, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरों की परवाह छोड़ दें, दूसरे लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहते हैं, अपने आप पे यकीन करें, भरोसा रखें। क्या होगा, आपका इनर कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी पा सकती हैं। आपको कोई किताब लिखनी है, आप किताब लिखें। आपको कोई चैप्टर लिखना है, आपको कोई प्रोजेक्ट करना हो, अगर आपके पास कोई आइडिया हो, आप वही करो। कोई आइडिया है आपके पास, कोई गैजेट है, कोई चीज़ है जो आप करना चाहती हो, यही साल है बहनों और भाइयों, यही साल है, आप कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकती हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तस्वीर आपको बनानी है, सिंदरी बनानी है आपको, आपको कहीं जाना है, घूमना है, फिरना है, आपके पास कोई ख्वाब है, कोई ख्वाहिश है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, छोड़ दो कि दूसरा क्या कर रहा है, अपने बारे में देखें। आपकी ताकतें तो होंगी ना, हर इंसान के पास खूबी है, ताकत है और कामी है। ठीक है, हम लोग इंसान है, फरिश्ता तो नहीं है ना, लेकिन हम में ऐसा पावर है, ऐसा विल पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं इस साल में। ख़ास तौर पे
आपका भी अगर दिल चाह रहा है कि आप कुछ करें, आप करें, आप जाएं अपने काम से काम रखें, खुश रहें, रिकॉर्ड दैट यूट्यूब वीडियो। अगर आपका दिल चाह रहा है आप किसी चीज़ की तस्वीर लें, किसी सिंदरी की या किसी दरख्त की या कहीं, आप वहीं पर जाएं, आपकी खुशी होगी तो हर चीज़, हर काम हो सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल को आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है। इस दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सब आपको मिलेगा। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं तो आप वही लिखें ना जिसके बारे में आप जानते हैं और जिसके बारे में आपके पास एक्सपीरियंस है। आप वो लिखें जिसके पास आपके पास तर्जुमा है। तर्जुमा के से बढ़ से उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तर्जुमा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। यही तो आपका विल पावर है, यही तो आपकी ताकत है, आपका तर्जुमा, आपका एक्सपीरियंस, आपके मशवरे, आपके टॉक। आपके पास कोई भी आइडिया हो, किताब लिख लें इसके बारे में, फिर वीडियो बना लें ताकि दूसरों के काम आए, जिस तरह हम कर रहे हैं। दुनिया वालों, ये सच है कि अल्लाह का हमारा दिया हुआ सब कुछ है। एंड आई डू थैंक द यूनिवर्स। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो तो आप खुलकर दुआ मांगे, आप पूरी दुआ मांगे। सिर्फ ये नहीं दुआ मांगे कि आपको सिर्फ लाइफ पार्टनर चाहिए, दुआ मांगे। अगर आपको नॉन स्मोकर चाहिए, नॉन स्मोकर मांगे। अगर आपको पैसे के साथ चाहिए वो मांगे, खूबसूरती वो मांगे। जो आप चाहेंगे वही होगा इस दुनिया में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी दुआ मांगे, खुलकर मांगे। ऊपर वाला सुन रहा है हमेशा हमेशा हमेशा। उदास नहीं हो, गुज़रे वक्त को दोहराया नहीं करें, बहुत ज़रूरी है। कोई भी बात हो अपने आप को माफ़ कर दो और दूसरों को माफ़ कर दो। अगर आप खुशी चाहते हो इस ज़िंदगी में, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बता दूं कि दरख्तों के पास ऑक्सीजन होता है। इनके पास वो खूबी होती है जो सांसों के लिए बहुत अच्छी है, हमारे जिस्म के लिए अच्छी है, हमारे स्किन के लिए अच्छी है, हमारे दिमाग के लिए अच्छी है। आप लोग कोशिश करें कि आप ऐसी जगह जाओ जिसकी मैं वीडियो बना रही हूँ, लेक्स के पास जाओ, जहाँ पर पहाड़ हो वहाँ जाएँ। हो सकता है आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर पहाड़ नहीं हो, लेकिन वहाँ पर हरियाली हो, कहीं ना कोई हरियाली हो। अब मैं तो भी आई हूँ ना इस खूबसूरत सी जगह, मैं तो बस से आई हूँ, फिर भी मैं आ ही गई ना। बहाना नहीं ढूंढें और करें। अपने ज़माने में एक आदमी है, उसका नाम था निकोला टेस्ला। वो काफ़ी इन्वेंट चीज़ें करता था, उसके आइडियाज़ बहुत अच्छा होता था। वो कहता था कि अगर आप जानना चाहते हैं राज यूनिवर्स के, इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, देन थिंक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन। आप जो एनर्जी देंगे वो वापस आएगा, ठीक है। इसलिए उदास होना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है बहनों और भाइयों के आप इस वक्त उदास नहीं हों, क्योंकि आपको अच्छा जो आप चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो वही तो आप बनो ना। लेकिन इसके लिए कभी कभार अकेले लेना ज़रूरी है। आपको हक है, अपना हक मत मारें। आपको हक है कि आप अकेले टाइम स्पेंड करें, ऐसी जगह स्पेंड करें जहाँ पर दरख्त हैं, ऐसी जगह स्पेंड करें जहाँ पानी है, तैरती हुई नदियाँ हैं, जिस तरह मैं आई हूँ इस वक्त। चाहे छोटी सी भी जगह हो, आप वहाँ पर ज़रूर ज़रूर जाएगा। ये देखें कितना प्यारा, अच्छा लग रहा है ना। और ये बबल्स देखें कितना प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसी जगह पर आप जाएँ, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बहनों और भाइयों, मैं ये कह रही थी कि दरख्तों में एनर्जी, इनमें खूबी है, इनमें ताकत है, इनमें वो शक्ति है जो आपको पानी है, ठीक है। देखें हमारी दुनिया में, हमारे यूनिवर्स, देखें ये प्लैनेट जो है कितना हसीन है, कितना संगीन है, हरियाली सब जगह है। और बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप जाएं वहाँ पर, आप अपनी खुशी बढ़ाएं, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके जो अंदर की जो शक्ति है वो बढ़ेगी और आपको खुशी मिलेगी। और फिर आपके ज़िंदगी में, आपके दुनिया में कहीं ना कहीं से अच्छे लोग आएंगे, कहीं ना कहीं से बस आ जाएंगे, आपको बस मिल जाएंगे, आपके दिल को अच्छे लगेंगे। और आप अपना दिल, यानी आपके अंदर की जो ताकत है, आप उसको मानें, बहुत बहुत ज़रूरी।
बहनों और भाइयों, आप कहाँ पर भी जाएं, नदियाँ जाएं, तैरते हुए पानी, उसके बबल्स देखें, दरख्तों को देखें, उनकी टहनियों को देखें और उनका रंग, कितने मुख्तलिफ रंग हैं, हरियाली कितनी हसीन है, कुछ तेज़ रंग है, कुछ पैरेट रंग है, कितना प्यारे है ये दुनिया, ये ज़िंदगी कितनी हसीन है। अब उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ठीक है। आप ऐसे ही रो, आप ऐसी बातें करो जैसे आपके हर प्रॉब्लम का हल आ गया है, आपको मिल गया है, आपको हर सवाल का जवाब मिल गया है। आप इसी तरह जियो, अच्छी बातें मुझसे निकलो तो अच्छा होगा। आप लोग ने नोट करा है जिस तरह से दरख उग रहे हैं, टहनी इधर उधर आ रही है, आगे जा रही है, हवा में हिल रही है, पानी कैसा हिल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आप देखें, आप हवा महसूस करें अपने बालों में, अपने कपड़ों में, सब जगह कितना अच्छा लग रहा है ना। पानी को देखें, हर चीज़ महसूस आप करें, बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता है कि आप अपने घरेलू हालत, अपनी दिमागी हालत, आपके पास वो ताकत है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, आप एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। आपको पता है ये ऐसी एनर्जीज हैं, ऐसी ताकतें, ऐसी चीज़ें हैं जो महसूस हो रही हैं। देखें, पॉजिटिव बोलें चीज़ें। आज तक आप लोग माइंड कंट्रोल हो चुके हैं, ठीक है। आज तक जो भी आप फिल्में देखते हैं, जो आप चीज़ें सुनते हैं, जो आप चीज़ें देखते हैं, चाहे आपके चाइल्डहुड में कुछ हुआ या आप फिल्में देखते हैं, आप ड्रामे देख रहे हैं बहन भाइयों, तो उसमें कोई ना कोई तो फ़र्क पड़ा है ना आपको, आपके दिमाग को, आपके सोच को, ठीक है। और जो आप चीज़ जो भी देखेंगे और जो आप चीज़ करेंगी, वो आप पे कोई ना कोई तो अफेक्ट होगा ना, तो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन हकीकत तो ये है बहन भाइयों, क्योंकि ये अब साल है एक्वेरियस का, यहाँ पर जो यूनिवर्स में हो रहा है 2020 में, अब इसका मतलब ये है दुनिया के पोल खुल जा रहे हैं, सब लोग सच जान रहे हैं दुनिया के बारे में, लोग के बारे में, हकीकत क्या है इसके बारे में। आप लोग, आपके दोस्त अगर कोई चीज़ छुपा रहे हैं, आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। आपके दोस्त सामने आएंगे, असली लोग सामने आएंगे, नकली लोग सामने आएंगे। अपनी दिल की बात ज़रूर ज़रूर मानो, और कोई दुआ हो ना, ठीक है, दिल से मांगो। ज़रूरी नहीं है कि आप मुंह से बोलो, आप दिल से मांगो, ठीक है। आपका दिल, आपका मन, उसके लिहाज से आप मांगो, फिर ज़रूर कबूल होगा। और रहने दो दुनिया को, छोड़ दो, बार बार सोचो नहीं उस चीज़ के बारे में। एक चीज़ मांगो, सही तरह मांगो, दुआ मांगो, पूरी बात मांगो, ठीक है, पूरी दुआ मांगो, और फिर ज़रूर कबूल होगी। और हमेशा बहनों और भाइयों, हमेशा ये मांगो कि आपके हक में जो बेहतर हो, ठीक है। हो सकता है हम जो मांग रहे हों, हम जिस चीज़ को चाह रहे हों, आप फोर्स नहीं करें, ठीक है, फोर्स नहीं करें। कोई चीज़ आप चाह रहे हों, अगर आप पैसा और चाह रहे हों, शोहरत और चाह रहे हों, कभी कभार फोर्स से ना वो चीज़ आती नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छी चीज़ें ज़रूर होती हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, अपने आप के ऊपर, दुनिया के ऊपर, अपने खुदा के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, हर चीज़ पे कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि आप जो चाहेंगे वही होगा। जिस तरह की आप औरत चाहते हैं, जिस तरह की आप बीवी चाहते हैं, जिस तरह आपके शौहर चाहते हैं, लाइफ पार्टनर चाहते हैं, दुआ मांगो। ये नहीं समझो कि आपकी हाइट छोटी है या आपका रंग सांवला है, नहीं मेरी नाक थोड़ी बड़ी है, नहीं मेरी पकौड़ा नाक है, मेरे बाल छोटे हैं, मुझे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, मेरा रंग सांवला है, मुझे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। नहीं, आप अगर आप चाहते हैं कि आपका रंग अगर गोरा हो, ठीक है, उसकी भी मैं वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपका टैन हुआ हो सनलाइट के वजह से, धूप के वजह से, तो मैं उसकी वीडियो बना सकती हूँ। मेरी कोशिश ये होगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें आपको कौन कौन सी वीडियो पसंद है, और आपके कमेंट्स बहुत अप्रिशिएट मैं करती हूँ, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आप ज़रूर लाइक करेगा इसको। बहनों और भाइयों, सबसे ज़्यादा मौका ये है, ये साल है 2020 का, यहाँ पर दुनिया में बहुत चीज़ें हो रही हैं, दुनिया के बाहर बहुत चीज़ें हो रही हैं, आसमान में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब ये है बहन भाइयों कि कबूलियत की घड़ी है 24 आवर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, बुरे लोगों से दूर रहें, बुरी चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। बुरी चीज़ें यानी जो चीज़ें आपको छुप छुप के करना पड़ रही हैं, वो बुरा होगा ना। अगर आपके मन को लग रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए, फिर आपको नहीं करना चाहिए। अपने मन को सुने, अपने अंदरूनी
जो आवाज़ है उसको आप सुने, वो आपसे कभी गलत नहीं करेगी, वो आपको मशवरा कभी गलत नहीं देगी, वो हमेशा सही आपको मशवरा देगी। अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है, आपको अपने आप के ऊपर तो है ना, आपको अपने आप के ऊपर है, आपका मन क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है। कोई रिश्ता आ रहा है आपके बहन भाई का, ठीक है, आपका कोई पड़ोसी का, आपका कोई दोस्त का रिश्ता आ रहा है, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? कोई ना कोई बात है। इन्वेस्टिगेट, अपने दिल की मानो। अगर आपका दिल कह रहा है आपको उस जगह जाना है, आपको बस मन चाह रहा है, आपको बस दिल चाह रहा है, आप उस बंदे से बात करो, फिर कब करो, ये आपका हक है, ठीक है। ऑब्वियसली लुक आउट फॉर योर सेफ्टी एज वेल, दिल से भी काम लें, दिमाग से भी काम लें, ठीक है। बहन और भाइयों, आपको पता है कि आपकी सोच की वजह से, आपकी सोच इतनी ताकत है कि आपकी सोच की वजह से, ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं वो बिल्ली कुत्ते से डरते हैं, जबकि डरने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जब उठें, सबसे पहले आप क्या करें, आप न्यूज़ नहीं वॉच करो, रेडियो नहीं देखो, टीवी नहीं देखो, नहीं, एक घंटे के लिए सुकून, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी करना हो एक दिन पहले करना हो, सुबह के वक्त नहीं। ऐसी शक्ति होती है सुबह के वक्त, जो पहले घंटा होता है सुबह का, उसमें आपका जो ब्रेन है वो इतनी ज़बरदस्त चलता है कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। आपको ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे, आपको ऐसे ऐसे टो आएंगे कि कभी कभार फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देखें तो, एक दिन देखें, दो दिन देखें, तीन दिन देखें। हाँ, ये ज़रूरत है कि फ़ोन जो है, टेलीफोन और टैबलेट बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है, लेकिन आप देखें तो, मैं क्या कह रही हूँ, कोई ना कोई वजह तो है ना, कोई ना कोई बात है, और बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात है। एक घंटे के लिए आप फ़ोन अपना देखें नहीं। सुकून की जगह जाना ज़रूरी है। आपका सुकून बहुत बहुत अच्छा है, चाहे आप मेडिटेट करें, चाहे आप नमाज़ पढ़ें। जो लोग मुसलमान हैं, बहनों भाइयों, और आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे हो, आप यकीन करें आपकी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और एक और चीज़, काफ़ी लोग जो हैं वो अपने सिक्स सेंस को हाई करना चाहते हैं, प्लीज़ मिसवाक इस्तेमाल करें, टूथब्रश और टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं, आप थोड़े से जो ब्रश हैं मुख्तलिफ़ टाइप के यूज़ कर सकते हैं दांतों की गंदगी हटाने के लिए, और भी चीज़ें, लेकिन आप मिसवाक यूज़ करें, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर मैं आपको बात बताऊं कि दुनिया वालों, आप जो सोचेंगे वही होगा, फिर आप, इसका मतलब ये है कि आपको अच्छा ही सोचना है। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप बुरा सोचें। कई हमारे बहनों और भाइयों, वो इतने सालों से या महीने से या हफ्ते से घर से नहीं निकलते, डर के मारे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे डर गया बाढ़ में, हज़ारों करोड़ों लोग अपने आप को इन्जॉय कर रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पर बूढ़े लोग, जिस पार्क में मैं आई हूँ इंग्लैंड में, इतना ज़बरदस्त है, हार्टफिशर में इतना ज़बरदस्त है, लोग पैदल आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, बच्चे लोग सब लोग निकले हुए। अंदर रहना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है। आपका हक है कि आप वॉक पे जाओ, आप सब जगह जाओ, ठीक है, आप हंसो, लोग से भी मिलो, लेकिन कभी कभार ये होता है कि आप अपने साथ अकेला टाइम स्पेंड करें अपने आप को जानने के लिए। ये तो भी हक है ना आपका, है ना, पीस ऑफ माइंड हो, ये बार बार फिल्में देखना, ड्रामे देखना। अगर आप इन चीज़ों से थक चुके हैं, फिर आपका बहुत बहुत हक है कि आप अकेली जगह स्पेंड करें सुकून से, ठीक है। कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, उसको साइलेंट पे लगा दें, कोई कुछ नहीं, कोई ड्रामे नहीं, बस सुकून से आवाज़ें सुने पानी की, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कितना सुंदर लग रहा है, देखो ज़रा पानी सब जगह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखें, आपकी किस्मत में अच्छी चीज़ें लिखी हैं, अपना हक नहीं ख़त्म नहीं करेगा, ठीक है। अब आपका हक ज़रूरी है, आपको तो भी खुश होना ज़रूरी है ना, आपको हक है खुश रहने का। इसलिए बहनों भाइयों, कोई भी चीज़ आपको पसंद है, कोई भी चीज़ आप चाहते हैं वही होगा, ठीक है। जिस टाइप का आप लाइफ पार्टनर चाहते हो, कोई भी चीज़ स्टडीज़ के बारे में, आपको कोई चीज़ दुनिया के बारे में जानना है वही होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि आप पूरी दुआ मांगें, ठीक है, अच्छा शौहर चाहिए, ठीक है, सिगरेट पालवा नहीं चाहिए, सच, जो सच बोले, चाहने वाला शौहर चाहिए आपको, वही आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई थी। सबसे पहले आप लिख लें, कोई भी चीज़ आपको चाहिए ना, स्क्रिप्टिंग से बहुत
फर्क पड़ता है। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है? स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि आपने लिस्ट लिए। जब आप शॉपिंग पे जाते हैं बहनों और भाइयों, आप लिखते नहीं है कि आपको क्या चाहिए। कभी कभार कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन लिखने से ये होता है कि वो चीज़ पक्की हो जाती है कि वो हर हाल में आपको चाहिए, हर हाल में आपको चाहिए, ठीक है। और जो जिस्म के लिए सही नहीं है और जो दिमाग के लिए सही नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं, जैसे कुछ लोग जो हैं वो चरस पीते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो सही नहीं होता है। ज़्यादा सिगरेट पीना और दारू पीना सही होता है क्या? शराब पीना सही होता है? नहीं। टू मच टॉक्सिकेशन सही नहीं होता है। फिर आप तो अपने होश खो जाएंगे ना, फिर कोई आपका फ़ायदा तो भी उठा सकता है, आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? कई हमारे बहन और भाइयों जो हैं वो इतने प्रेशर हुए हुए हैं कि उनके दोस्त उनको कह रहे हैं कि वो कोई ना कोई नशा ट्राई करें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको स्ट्रेस से अगर दूर रहना है, आप ऐसी जगह क्यों नहीं जाते ना जहाँ समंदर होता है? और जब ज़रूरी नहीं कि समंदर बहुत बड़ा हो, छोटी सी जगह भी हो सकती है, नदियाँ भी हो सकती है, इस तरह की जगह। यहाँ पर तो भी, यहाँ पर तो पार्क है, ये तो खूबसूरती है इस बात की। आपका हक है, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, बस आप लिख लें, पूरी दुआ मांगिएगा, ठीक है। नॉन स्मोकर चाहिए, नॉन स्मोकर मिलेगा, ठीक है। और जो बीमार ना हो, क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो बीमार तो भी हो सकते हैं ना, जो गलत हरकतें करते हैं। पाक रहो हमेशा बहुत बहुत ज़रूरी है, सीक्रेट है ये, हर चीज़ का सीक्रेट है। पाक रहो, पाक लोग मिलेंगे आपको, पाक जगह पे जाया करो, ना पाक जगह पे जाया नहीं करो जहाँ गंदे सड़े हुए लोग हों, अच्छे जो लोग ख्याल के हों, सोच के हों। वो पिछले बातों को आप भूल जाएं, सबको आप माफ़ करें, ठीक है। और ये जो मैं बात कह रही हूँ ना, ये सब कुछ लोग सोचेंगे बोलेंगे ये बिल्कुल सही है, देखिए आप दिल में कोई चीज़ रखेंगे ना, ये आपके दिमाग पे अफेक्ट होगा। अब मैं चाहूँगी कि ये सारी मेहनत जो हम कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा चीज़ सोच रहे हैं, वो ज़ाया हो नहीं। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है बहनों और भाइयों कि आप ये करें, अच्छी जगह जाएं अगर आप जा सकते हैं। आप लोग, कई लोग हैं आप गार्डनिंग नहीं करते, पौधे उगाएं, फूल उगाएं, कुछ लोग सब्जियां पसंद करते हैं हरी, कुछ लोग टमाटर उगाते हैं, कुछ लोग फूल, कुछ भी कुछ तो करें आप। पहला स्टेप लें और बाकी का यूनिवर्स पे छोड़ दें, खुदा पे छोड़ दें, भगवान पे छोड़ दें, ठीक है। भगवान बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये पॉजिटिव जो एनर्जी है, ये सब जगह अब हो रहा है, सब लोग ये महसूस कर रहे हैं, और सबकी जो इनसाइड की जो अंदरूनी की जो चीज़ है ना आवाज़, वो अब जाग उठी है। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़, लेकिन ओल्सो फेयरवेल, क्योंकि आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड होपफुली यू विल जॉइन मी देन टू। सी यू, फेयरवेल।